दोस्तों, मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूं कि दहेज हमारे समाज में एक ऐसी समस्या है और एक ऐसा नासूर बन चुका है कि इससे बड़ी समस्या आज हमारे देश में और कोई नहीं है। दहेज लेने वाले, जितने लेने वाले दोषी हैं, उतना दहेज देने वाले भी दोषी हैं। दोस्तों, होता क्या है कि आज तो ये झूठी शान बनाने के लिए और अपनी अपने आप को प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए इस तरह की होड़ लगी हुई है कि मैंने उसने अपनी लड़की की शादी में ये दिया वो दिया, तो मैं भी अपनी शादी में लड़की की मैं ये दूं वो दूं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसका असर क्या हो रहा है? ये समाज को खोखला कर रहा है, ये जहर समाज को अंदर ही अंदर खा रहा है। आज कितनी हमारी मासूम बेटियां, बहनें हमारी इस दहेज की जो शिकार हैं, जो इनके तानों के शिकार हैं, जिनको दहेज नहीं मिल पाता, आज वो अपनी जेठानी दौरानी सास के जो तानों की शिकार होती हैं, ये कितना गंभीर विषय है। वो हमारी बेटियां बहनें वो छुप छुप करके रोती हैं। किस वजह से? क्योंकि कुछ लोग जो दहेज लेकर के जो लड़कियां नहीं आ पाती, लेकिन इसका बढ़ावा देने का कारण एक और भी है। दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि गांवों में पंचायत हो गई, बड़े बड़े चौधरी बन के बैठ जाते हैं और पंचायत करते हैं और पंचायत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि जी दहेज कोई नहीं लेगा, दहेज कोई नहीं लेगा, दहेज कोई नहीं लेगा, लेकिन सबसे आगे वो ही रहते हैं। दहेज लेने में सबसे आगे वो ही रहते हैं। आज जो हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे जो ठोड़ा हैं या हमारे जो मौजूद आदमी हैं, आप जाकर के देखिए कि वो दूसरों को तो ये कहेंगे कि दहेज मत दीजिए मत दीजिए मत लीजिए, लेकिन आप देखिए उनकी शादियों में, ऐसी कोई शादी नहीं होगी जिसमें गाड़ी, कम से कम गाड़ी ना मिले। चाहे उसे अपने किसी बेटी के पिता को अपने खेत बेच करके अपने खेतों को गिरवे रखने पड़े या बेचना पड़े, लेकिन वो उन भूखे भेड़ियों की मांग पूरा करते हैं। मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ कि आप भले ही अपनी बेटियों के लिए कोई गरीब लड़का ढूंढ लें या ऐसा लड़का ढूंढ लें जो कैसे भी उसका गुजारा कर दे, लेकिन इन दहेज के भूखे भेड़ियों में कभी रिश्ता ना करें, वरना आपकी लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती। हकीकत यही है कि बड़ी बड़ी हम पंचायतें करते हैं, बड़े बड़े हम रैलियां भी निकाल देते हैं, बड़े बड़े स्टेज सजा कर वहाँ से हम ऐलान भी करते हैं, भाई जहेज नासूर है, जहेज लानत है, जहेज के खिलाफ मुद्दा आवाज़ उठा रहे हैं, हम अभियान चला रहे हैं जहेज के खिलाफ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो अभियान चलाने वाले हैं, जो मुहिम चलाने वाले हैं और जो इसमें पेश रहते हैं, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से लोग कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनका मामला होता है तो बड़ी बड़ी बरातें जाती हैं, बड़े बड़े जहेज के सामान लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी कार गाड़ियां ली जाती हैं। तो अफसोस बात यही है कि हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं दूसरे पर थोपूँ, मेरा मसला आया तो मैं पीछे नहीं रहूँ और मेरा मामला जो है क्लियर हो जाए और मेरे लिए गाड़ी भी मिले और मेरे लिए दौलत भी मिले। ये सामाजिक जो मामला है, समाज के एतबार से जो रोक नहीं लग पा रही है, वो इसीलिए नहीं लग पा रही। पंचायत हुई, पुराने में भी हुई और जगह भी पंचायत होती है, उसके 10 दिन बाद में हमने देखा लंबी कतार है एक लोग एक शादी में। मैंने कहा किसकी शादी? भाई उसकी शादी है, उसमें करीबन कई गाड़ियाँ भी दी गई, बाइकें भी दी गई, बड़ी जो है दौलत भी दी गई, बड़ी मिलनी हुई उसमें। तो अफसोस ये है कि सामाजिक जो लोग हैं और जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, आगे आने वाले लोग हैं, वो सच्चे दिल से नहीं आ रहे हैं। वो ये कि बस ठीक है, हमारी वाह वाह हो जाए कि भाई सामाजिक काम कर रहे हैं, बड़े लेवल का काम कर रहे हैं, लोग हमें जान जाएँ, बाकी हमारा जब मामला है तो हमारी डिमांड पूरी होती रहे, बाकी ये उनके जहनों की जो बात होती है, इसलिए समाज में असर नहीं हो पाता। अगली बात, मैं प्रशासन से भी यहाँ एक बात जिक्र करूँगा कि अब आयशा का जो मैटर हुआ है, पूरा प्रशासन उसको जान रहा है, पूरा मुल्क
नेशनल मीडिया ने उसको खूब कवरेज किया है और बल्कि पूरा आलम उसको जान रहा है, पूरी इंसानियत तो उसको जान रही है कि कितनी दुख भरी दास्तान थी उसकी। मैं कहता हूँ कि वो आयशा का जो मैटर था, वो आयशा का मैटर तो खुल गया, सामने आ गई बात, वरना कितनी ऐसी आयशा हैं जो खामोशी के साथ इस दुनिया से चली जाती हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि जैसे अब तीन तलाक का मसला, तो उसमें मैं खैर बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं कि आप ऐसा करें कुछ, ऐसा कहें कुछ लोगों के सामने, अपना ऐसा तरीका, कोई एक ऐसा दस्तूर, एक ऐसा कानून लाएं कि जो जहेज़ की जो ये रस्म है, जहेज़ की जो लानत है, जहेज़ का जो रिवाज है, ये रुक जाए, थम जाए। और इसके साथ में अब जो आत्महत्याएं हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, बच्चियों की जान जा रही है, आप कहते हैं कि भाई हम नारी की हिफाजत करते हैं, औरत का सम्मान करते हैं, भाई महिला सम्मान हमारा सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी हमारी हमारी पहल है, सबसे बड़ी हमारी मुहिम है। प्रशासन आमतौर से सरकारें ये बातें कहती रहती हैं, तो मैं इन सरकारों से भी ये बात कहूँगा कि आप अपने एतबार से इसके लिए मुहिम चलाएँ, अपने एतबार से, बल्कि आप तो कानून ही बना दें और ऐसा कानून बना दें कि कोई जहेज लेने से पहले, मांग करने से पहले 10 बार तवय्यू सोचे कि हाँ यार मैं जहेज लूँगा तो अगला मामला और मुस्तकबिल में बड़े खतरे में पड़ सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि सामाजिक एतबार से और प्रशासनिक एतबार से ईमानदारी से अगर इस पर कार्रवाई होगी, ईमानदारी से इसके लिए अगर मुहिम चलेगी, अभियान चलेगा, मैं समझता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, ये जो खुदकुशियाँ कर रही हैं, कभी कोई गले में फंदा डालकर, कभी कुएं में छलांग लगाकर, कभी नदी में छलांग लगाकर, या कभी अपने अरमान, अपनी हसरतें, अपने एहसासात, अपने जज्बात को अपने अंदर लिए हुए पूरी ज़िंदगी बसर कर जाती हैं और कुढ़न ही कुढ़न में इस दुनिया से चली जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो हालात चल रहे हैं, ये जो मासूमाना कत्ल हो रहे हैं, ये इन कत्लों का मामला सरकार को भी भुगतना पड़ जाएगा और समाज को भी भुगतना पड़ जाएगा।